ठीक है, अकेडमी के बहुत झंडे गिरते हैं, SSGD में भी हमारा परिणाम आसमान छू रहा है। पिछला लगभग 51 में से 40 बच्चे पास हुए थे। अब एक चीज बता दूं मैं यहाँ पर सबको, याद रखना जिंदगी में सबसे आगे जो चीज लेके जाती है वो आपका खुद का डिसीजन। अब जैसे मम्मी है या भाई साहब है, जो मैं नौकरी छोड़ रहा था ना, दोनों ने मना किया था मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए। गांव तो मना कर ही रहा था, गांव का क्या मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता गांव समाज का तो, लेकिन ये भी मना ही कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात है और मैं लगी हुई को छोड़ रहा था। बात समझ में आई? तो इनके भी दिल में यह था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। आवाज नहीं बेटा भाई, अरे बोलो मत भाई, मेरे को तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आई? इनको थोड़ा ना पता है, मम्मी को, आपकी तरह माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। मम्मी अपने हिसाब से सोचती है क्योंकि मम्मी 6,000 रुपये महीने 3,000 रुपये महीने कमाती थी, उसका बेटा 40,000 रुपये की नौकरी करा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई? भाई मेरी मम्मी तो 50 रुपये की मजदूरी करती थी तो 1500 रुपये महीने, लास्ट में जाकर 100 रुपये महीने दिन के कमाती थी, 3,000 रुपये महीना, तो उसका बेटा 40,000 रुपये फौज की वजह से कमा रहा था, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, और उसको ठोकर मार रहा है, लात मार रहा है, तो दुख की बात है। लेकिन मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझे? तो कभी भी जिंदगी में आप क्या कर सकते हो सिर्फ आपको पता है। आज मैं तो एक था नौकरी में, आज कम से कम इस अकेडमी से पता नहीं कितने लगा के जाऊंगा, अगर जिंदा रहा जब तक तब तक लगते रहेंगे। इस बार 40 पास है, अगली बार 100 पास करेंगे, उससे अगली बार और। नौकरी छोड़ने के पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं था कि भाई मेरे को जैसे सीआरपीएफ की जॉब पसंद नहीं थी या कोई वो रीजन, कोई रीजन नहीं था। बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहां पर हूं वो मेरे लिए कम है, मैं इससे बड़ा कुछ कर सकता हूं। तो इसीलिए भले मैं फेल हो जाता, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं अकेडमी में सक्सेस हुआ, मैं अभी भी बोलता हूं भले मैं फेल हूं, लेकिन हाँ इससे भी बड़ा अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये मेरे को इतनी प्रेरणा है। सबसे खास बात मेहनत। अभी अकेडमी ओपन होने के आज तक मेरी कोई ऑब्सेंट नहीं है। 1 साल हो गए, 1 साल में कोई हॉलीडे पे छुट्टी पे गया हूँ क्या मैं? ये जो एक एक साल वाले ये भी चले गए 1-1.5 महीने, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। और आज भी जब अकेडमी ओपन की थी उस समय एक चैनल था कमांडो अकेडमी, आज 7 चैनल है। दूसरी बात, जब अकेडमी ओपन की थी ना तब मेरे पास में अकेडमी पे कलर कराया था ना, वो भी कर्जे से पैसे से कराया था, 2 लाख रुपये कर्जा लेके अकेडमी का जो कलर कराया था ना वो था। घर में हमारे कोई करोड़पति नहीं था, ठीक है, 50 रुपये की मजदूरी हमारे घर की, और वो भी मेरी मम्मी की, केवल 50 रुपये 100 रुपये की मजदूरी करती थी वो भी। लेकिन उससे नौकरी से, हाँ नौकरी की तो फिर शादी कर ली भाई, ये नौकरी वाले पैसे दिन के पीछे लग गए थे। हैं? नौकरी से अकेडमी शुरू नहीं हुई। काम करने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए, आप कितनी मेहनत कर सकते हो ये चाहिए। तो ये जो SSGD वाला बेच रहे हैं सारा जानता है, सुबह का ग्राउंड में कराता हूँ, उसके बाद में पढ़ाना, रात को 3-3 बजे तक क्लासें लिए मैंने इनकी। अरे लिए? मेहनत है ना वो डिसाइड करती है। तो आज 1 साल बहुत अच्छा गया और उम्मीद करते हैं इस बार इससे भी अच्छा जाए। ठीक है,
ठीक है, इसको खाया जाएगा अच्छे से। तो दो जो खाने वाले प्राणी है तो